नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशन देख रहे थे, तो उसी क्रम में कल मैंने आपको एक थ्योरम का प्रूफ करवाया था और आज जो हम लोग एक दूसरी थ्योरम देख रहे हैं, इस पर हमको देखना है डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट, यानी कि यदि दो डिसजॉइंट साइकिल दी है तो वो आपस में क्या करेंगी, कम्यूट करेंगी। कम्यूट का मतलब आप लोगों ने सेमेस्टर वन में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। यदि दो एलिमेंट है हमारे पास ए और बी, तो ए इंटू बी करो तो किसके इक्वल आएगा, बी इंटू ए, यदि ऐसा होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं। तो वही कहा गया है कि साइकिल्स होनी चाहिए, लेकिन कैसी साइकिल होनी चाहिए, डिसजॉइंट साइकिल होना चाहिए। यदि डिसजॉइंट साइकिल है तो वो आपस में क्या करेंगी, कम्यूट करेंगी। इसी का स्टेटमेंट मैंने देखो लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ साइकिल, यानी कि एक साइकिल अल्फा है, यानी कि एक परमुटेशन अल्फा है और साइकिल ये है, और दूसरा परमुटेशन है बीटा, इसकी साइकिल ये है, का हैव नो इंट्रीज इन कॉमन, इनमें इन दोनों साइकिल में कोई भी इंट्री कॉमन नहीं है। यदि कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि डिसजॉइंट साइकिल है दोनों। देन कहा गया है कि अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा, ये दोनों ऐसा होगा, यानी कि कम्यूट करेंगी दोनों साइकिल, ठीक है। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो जैसे कि हम लोग देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल से पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जैसे कि लेट हमने एक सेट लिया S3 का, S3 हमने सेट बनाया था, कौन कौन से एलिमेंट आए थे, 1, 1, 2, फिर 1, 3 साइकिल, 2, 3 साइकिल और 1, 2, 3 और 1, 3, 2, ये एलिमेंट S3 के थे, ठीक है। 6 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो ये S3 में हमको एलिमेंट मिले थे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक साइकिल है 1, 2 और इसी से हमने ले लिया, दूसरी साइकिल है हमारी 1, 3 ले लिया। तो ये बताओ ये दोनों आपस में कैसी साइकिल है, डिसजॉइंट है कि नॉट डिसजॉइंट है। तो आपको होगा कि सर दोनों में 1 कॉमन है, इस वजह से ये दोनों साइकिल क्या है, नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी यहां पर सिंबल, कोई भी एंट्री कॉमन में नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं, देखो जैसे ये हमने नॉट डिसजॉइंट साइकिल के लिए देख लेते हैं, है ना। यदि हम इन दोनों साइकिल को क्या करें, ये अल्फा यानी कि अल्फा बीटा ऐसा मान लेते हैं, दो साइकिल मान लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 1, 3, ठीक है, यानी कि 1, 2 पर मैप कर रहा है और 2, 1 पर मैप कर रहा है, और ये 1, 3 पर मैप कर रहा है, 3, 1 पर मैप कर रहा है। यदि हम क्या करें, इन दोनों को प्रोडक्ट कराएं तो क्या आएगा, और यदि हम लोग 1, 3, 1, 2 करें तो क्या आएगा, क्या दोनों इक्वल आएंगे, देख लेते हैं, है ना। तो 1, 2, 3 S3 लिया था ना हमने, तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग इसको तुरंत। देखो 1, 2, 3 यहां से स्टार्ट करो, 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, 2, यहां पर आ जाओ 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 3। अब देखो यहां पर लिख लो साइकिल अपनी, साइकिल क्या बन गई, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो साइकिल क्लोज्ड। इसको देख लो करके, जब इसको करोगे तो 1, 2, 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, ये 1 हो गई, और ये 3, फिर इसमें आ जाओ 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, 2, तो इसकी भी साइकिल लिख लो। देखो ये आ जाएगी 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए आपस में, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, यहां पर ये साइकिल क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहां 1 की इमेज 3 है, यहां 1 की इमेज 2 है, ठीक है, यहां पर 3 की इमेज 2 है और यहां पर 3 की इमेज 1 है, तो ये दोनों साइकिल इक्वल नहीं है, है ना। यानी कि हमने अल्फा बीटा और बीटा अल्फा निकाला एक तरीके से, ठीक है, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा हमने एक तरीके से निकाला, तो क्या आया, इक्वल नहीं आया। क्यों इक्वल नहीं आया, क्योंकि ये दोनों साइकिल कैसी थी, डिसजॉइंट नहीं थी। अब हम लोग दूसरी साइकिल लेते हैं जो कि डिसजॉइंट होंगी। देखो लेट 1, 2 बिलोंग्स टू S5 में ले लेते हैं, S5 में भी 1, 2 तो आएगा ही, ठीक है, सेट हमारा यही है, सेट S5 की बात की गई है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सेट होगा, और दूसरी साइकिल ले लेते हैं 3, 4, ठीक है,
ये ऐसा कर लेते हैं। दो साइकिल हमने ले ली, अब बताओ क्या इन दोनों साइकिल में क्या कोई कॉमन है? कोई एलिमेंट? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइकिल कैसी हैं? आपस में डिसजॉइंट साइकिल है आपस में, ठीक है, डिसजॉइंट है। अभी जो हमने लिया था वो नॉट डिसजॉइंट थी, अब डिसजॉइंट के लिए देख लेते हैं क्या डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट करते हैं आपस में। तो देखो 1 2 1 3 निकाल लो, फिर एक बार 1 2 3 4 है, 3 4 है, एक बार आप यहां पर 3 4 कर लो और 1 2 कर लो, देखो इन दोनों को क्या आता है रिजल्ट। देखो पहली वाली देखते हैं, S5 की बात की गई है ना, तो देखो इसको मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, S5 हो गया। अब इस पर देखो 4 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, 1 2 5, फिर 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 4 3 5। तब देखो यहां पर साइकिल क्या बन गई इसकी, ये बन जाएगी 1 की इमेज है 2, फिर 2 की इमेज है 1, ठीक है, फिर 3 की इमेज है 4 और 4 की इमेज है 3, क्लोज, फिर ये आ गया 5। इसको देखो, इसको करके देखते हैं, तो जब इसको करके देखेंगे देखो 1 2 3 4 5, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 4 5, फिर 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 5 2 1। अब इससे करके देख लो 1 की इमेज 2, ठीक है, फिर 2 की इमेज फिर 1, तो साइकिल क्लोज, फिर 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज फिर 3, तो साइकिल क्लोज, 5 की इमेज 5। देखो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए ना, है ना, इक्वल आ गए दोनों आपस में। क्यों इक्वल आ गए हैं? क्योंकि ये जो दोनों साइकिल थी ये आपस में कैसी साइकिल थी? डिसजॉइंट साइकिल थी। तो जब डिसजॉइंट साइकिल लोगे तो वो आपस में क्या करेंगी? कम्यूट करेंगी, यानी कि a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, दोनों रिजल्ट इक्वल आएगा, लेकिन यहां पर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों साइकिल आपस में डिसजॉइंट नहीं है। तो यही चीज यहां पर हमको प्रूफ करना है कि यदि हमारे पास दो साइकिल हैं जो कि आपस में क्या है? डिसजॉइंट साइकिल है, तो वो कम्यूट करेंगी, ये हमको प्रूफ करना है, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा होगा यहां। चलिए देख लेते हैं, इसका प्रूफ, ये जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं, तो यहां पर लिख लो प्रूफ, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू डिसजॉइंट साइकिल, टू डिसजॉइंट साइकिल्स, दो डिसजॉइंट साइकिल हैं अल्फा और बीटा, डिफाइंड ऑन ए सेट ए, ठीक है, सेट ए में दो डिसजॉइंट साइकिल हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा हम लोग लेते हैं यहां पर A1, A2 अप टू AN, बीटा ले लेते हैं B1, B2 अप टू BN, ठीक है। और यहां पर ये भी लिख लेते हैं कि वेयर, क्योंकि ये दोनों साइकिल आपस में डिसजॉइंट हैं अल्फा और बीटा, तो जब दोनों साइकिल आपस में डिसजॉइंट है तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, है ना, यानी कि कोई भी ए आई इक्वल नहीं होगा किसी भी बी जे के, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? डिसजॉइंट साइकिल है। यहां तक की बात आ गई समझ में? अब देखो लेट, यदि हम ये जो साइकिल में जो भी इंट्रीज है इनका एक हम सेट बना लें, लेट ए इक्वल टू, यानी कि हम लोग कर ये रहे हैं कि जो सेट ए है हमारा, ठीक है, वो सेट में जो एलिमेंट होंगे वो यही एलिमेंट होंगे A1, A2, AN, है ना, हम लोग जो साइकिल बनाते थे या परमुटेशन डिफाइन करते थे पहले,
तो परमुटेशन डिफाइन करते थे तो उस पर जो एलिमेंट आते थे वो सेट के ही तो एलिमेंट आते थे, सेट ए के, है ना। तो हम वही कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग सेट में यदि लिख दें ए वन ए टू कामा, तो हमारा वही सेट बन जाएगा। तो सेट यहां पर हम लोग लिख रहे हैं ए एन, फिर इसके बाद बी वन बी टू अप टू, ये बी एन मत करो इसको, या तो इसको ए एम कर लो, ठीक है, ये ए एम है। अब यहां पर इसको कर लो बी एन, और फिर इसके बाद और एक साइकिल ले लेते हैं हम लोग सी वन सी टू अप टू सी के कर लेते हैं, ठीक है। ये सभी एलिमेंट इस पर आ रहे हैं हमारे। तो अब देखो यहां पर हमने यहां पर C1, C2, CK इन एलिमेंट को और यहां पर ऐड किया है, तो यहां पर इनको डिफाइन कर देते हैं वेयर जो CIs आर दोज एलिमेंट ऑफ A, दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट A दैट आर फिक्स्ड, दैट आर फिक्स्ड इन बोथ अल्फा एंड बीटा, ना यानी कि जो एलिमेंट फिक्स होते हैं उनको हम लोग नहीं लिखते ना इस साइकिल में। जो एलिमेंट फिक्स हो, फिक्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि यहां पर देख लो, जैसे 5 जा रहा है कहां पर, 5 पर, 5 जा रहा है 5 पर, तो हम ये वन लेंथ की साइकिल है तो इसको तो हम लोग छोड़ सकते हैं ना। तो वही कह रहा है इसका मतलब ये फिक्स है, ठीक है। तो वही जो फिक्स एलिमेंट है उसको हमने यहां पर लिख दिया है, क्योंकि फिक्स एलिमेंट की साइकिल तो लिखेंगे नहीं, तो इस वजह से हमने यहां पर, लेकिन एलिमेंट को तो लिखना पड़ेगा, तो एलिमेंट हमने यहां लिख दिया है। और यहां पर हमने इसको डिफाइन भी कर दिया कि जो भी सी आईज है वो क्या है, अल्फा और बीटा में दोनों में क्या है, फिक्स है, यानी कि वो सेल्फ मैप है, ठीक है। C1 C1 पर जाएगा, C2 C2 पर जाएगा, CK CK पर जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट डिफाइन कर दिया है। देखो दिस इंप्लाइज, यदि फिक्स है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा में फिक्स है CIs, तो यानी कि CI में जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या देगा, फिक्स है, तो CI की इमेज क्या मिलेगी, CI ही मिलेगी। अल्फा में फिक्स है, बीटा में भी फिक्स है, तो चाहे अल्फा में देख लो या बीटा में देख लो, बीटा में भी CI फिक्स्ड है, तो CI बीटा CI निकालोगे तो CI ही देगा, है ना, क्योंकि सेल्फ मैप है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं, यहां पर हम लोग अब BI की बात कर लेते हैं, अल्फा BI। जो BI है वो अल्फा परमुटेशन में, अल्फा में क्या होगा, ये BI फिक्स होगा, क्योंकि अल्फा में तो A1 A2 AIs है सारे, है ना, तो ये BI तो दिया नहीं है अल्फा में, तो जब BI नहीं है अल्फा वाले में तो फिर ये भी फिक्स है, यानी कि BI की इमेज क्या मिलेगी, BI मिलेगी। एंड बीटा वाले में जो AI है ये भी बीटा के लिए AI फिक्स होंगे उसी तरीके से, है ना, क्योंकि बीटा में AI नहीं मिलेगा तो ये फिक्स है, तो यानी कि बीटा में यदि AI डालोगे तो AI ही मिलेगा, ठीक है। अभी इनका सबका यूज पड़ेगा आपको अभी, ठीक है, अभी हमको इनका यूज करना होगा, इस वजह से पहले यहां डिफाइन करे दे रहा हूं ताकि बाद में कहीं किसी को दिक्कत ना हो। अल्फा में यदि हम AI ले रहे हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि कहां पर मैप करेगा, AI प्लस वन में, ठीक है। हमने अभी जो पहले वाली थ्योरम प्रूफ की थी वहां पर भी ऐसे ही हमने किया था, A1 A2 पर मैप कर रहा है, A2 A3 पर, A3 A4 पर, तो उसी तरीके से AI जो है अल्फा में कहां मैप कर रहा है, AI प्लस वन में। एंड बीटा BI, भाई कुछ ना कुछ तो हमको लेकर के चलना पड़ेगा ना, क्योंकि यदि AI की हम बात कर रहे हैं और अल्फा ही परमुटेशन है तो फिर वहां पर हमको कोई ना कोई तो इमेज दिखाना पड़ेगा ना 1 1 2 के लिए, तो हमने ये चीज यहां पर पहले भी इसको यूज किया है और यही हम लोग यहां पर भी ले रहे हैं। तो BI कहां पर मैप कर रहा है, BI जाएगा हमारा I प्लस वन, ठीक है, सेम तरीके से। इसी तरीके से जो AI का लास्ट एलिमेंट है AM, ये कहां पर जाएगा बताओ, तो ये हमने देखा था कि जो लास्ट एलिमेंट होता है वो कहां पर जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट पर, तो ये A1 पर मैप करेगा। इसी तरीके से जो बीटा में जो
बी एन है वो कहां पर जाएगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट पर, यानी कि बी वन पर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ये हम लोग लास्ट एलिमेंट, जब यहां पर हमने ए आई डिफाइन कर दिया है तो ये लास्ट एलिमेंट आपको लग रहा होगा क्यों लिखा सर, लेकिन लास्ट एलिमेंट को लिखना जरूरी है क्योंकि जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 बिलोंग्स टू एस फाइव। यदि मैं कहूं कि 1 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 3 पर, ये तो ठीक है, लेकिन यदि मैं कहूं 5 कहां पर जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जैसे ये आगे आगे जा रहा है उसी तरीके से 5 यहां 6 पर चला जाएगा। ठीक है, आगे तो एलिमेंट ही नहीं, तो 5 कहां जाएगा, 1 पर, पहले वाले पर। तो वही चीज हमको यहां डिफाइन करना पड़ेगा लास्ट एलिमेंट। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा, ठीक है, कि साइकिल कम्यूट कर रही है। लेकिन हमको ये बात पता है कि अल्फा जो मैप है वो कहां से कहां पर है, ए से ए में ही है, और जो बीटा है वो भी कहां से कहां पर है, वो भी ए से ए में ही है। तो यदि अल्फा बीटा निकालेंगे तो कहां से कहां जाएगा, वो भी ए से ए में ही तो रहेगा, कहीं दूसरी जगह थोड़ा भाग जाएगा, है ना। तो अल्फा बीटा भी कहां रहेगा, ए से ए में ही रहेगा। तो देखो यदि इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो हमको प्रूफ करना है यहां पर, टू प्रूव, हमको ये प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा, यानी कि दैट इज टू सो दैट कि अल्फा बीटा एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, बीटा अल्फा एक्स आ जाए। ठीक है भाई, ये अल्फा बीटा भी तो एक फंक्शन ही है, जैसे अल्फा फंक्शन था बीटा फंक्शन था, है ना, उसी तरीके से अल्फा बीटा भी तो एक फंक्शन ही है। तो ये दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, तो ये आपको पता है कि जब डोमेन के सारे एलिमेंट, ठीक है, इमेज सेम आ रही हो डोमेन के सारे एलिमेंट पर, यहां पर लिख लो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए। ठीक है, डोमेन के, डोमेन वाले सेट के सारे एलिमेंट पर इमेज यदि सेम आ रही है, तो इमेज यदि सेम आ रही है तो फिर वो फंक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो वही चीज हमने यहां लिख दिया फंक्शन के लिए, अल्फा बीटा एक्स पर इक्वल हो जाए किसके, बीटा अल्फा एक्स के। ठीक है, डोमेन के सारे एलिमेंट पर इमेज यदि सेम आएगी दोनों की, तो ये फंक्शन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो प्रूफ कैसे करना है, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, बस देखते जाओ आप लोग। इफ एक्स बिलोंग कर रहा, एक्स इक्वल टू पहले ए आई के लिए प्रूफ करते हैं, और आई हम लोग ले लेते हैं इज नॉट इक्वल टू एम। ठीक है, आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एम इसलिए ले लिया हमने कि यदि लास्ट वाले एलिमेंट को हम अलग से दिखाएंगे, ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट को अलग से दिखाना पड़ेगा, यानी कि ए आई कहां से कहां तक था, 1 2 3 4 एम तक, है ना, तो एम नहीं लेना है, एम के पहले पहले तक के सारे एलिमेंट की बात हम लोग पहले करते हैं। तो देखो देन अल्फा बीटा ए आई ये निकालेंगे। तो देखो फंक्शन का तो आपको पता है ना कि फंक्शन का रूल क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा एफ ओ जी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, यही तो मतलब होता है। तो उसी तरीके से ये भी रूल है, इसको भी आप लोग लिखो अल्फा ऑफ बीटा ए आई, और बीटा ए आई हमको क्या देगा, देखो बीटा ए आई हमको दे रहा है ए आई, है ना, तो यहां पर लिख दो अल्फा बीटा ए आई हमको दे रहा है ए आई। अब अल्फा ए आई क्या दे रहा है, ये देखो अल्फा ए आई दे रहा है आई प्लस वन, ए आई प्लस वन, तो ये हो गया हमारा ए आई प्लस वन। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा ए आई, बीटा अल्फा ए आई। तो देखो इसको भी निकालो, बीटा और अल्फा, है ना, इसको भी फंक्शन के रूल से अल्फा ए आई लिखोगे। अल्फा ए आई कहां जा रहा है, ए आई प्लस वन पर, है ना, ये देखो यहां पर देखो अल्फा ए आई कहां जा रहा है, ए आई प्लस वन पर, तो यहां पर लिख दो
बीटा ए आई प्लस वन पर। लेकिन बीटा के लिए ए वाले जो एलिमेंट है ए आई वाले हैं वो फिक्स है, है ना। तो ये देखो बीटा ए आई के लिए ए आई ही दे देता है, तो बीटा ए आई प्लस वन पर क्या दे देगा, ए आई प्लस वन ही दे देगा। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा आ गया, कम्यूट कर रही है। लेकिन ये अभी हमने किन एलिमेंट के लिए शो किया है, ये अभी हमने देखो यहां से यहां तक क्लिक किया है। देखो मैं दिखाता हूं ए वन से लेकर के ए एन से पहले पहले एलिमेंट तक के लिए अभी हमने ये दिखाया है यहां, ठीक है। ये देख रहे हो ए वन से लेकर के ए एन से पहले पहले एलिमेंट के लिए, अब ए एन के लिए दिखा देते हैं, है ना। फिर इसी तरीके से बी वन से लेकर के बी एन से पहले पहले तक के लिए दिखा देंगे, फिर बी एन के लिए दिखा देंगे, ठीक है। यही प्रोसेस करना है, देखते हैं। बहुत इजी है, बस समझना है। देखो जो कोई समझ नहीं पाएगा इन चीजों को कि ये कैसे लिखा है, उसके लिए तो ये मतलब ये समझ लो कि कोई फॉरेन लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें हैं जो कि हमको नहीं आती है, है ना। तो बस वही है कि समझने की बात है, जिन भी लोगों ने समझ लिया इस चीज को तो उनके लिए तो बहुत आसान है। तो अब देखो ए आई के लिए दिखा दिया, अब हम लोग दिखाएंगे अल्फा बीटा ए एम के लिए, लास्ट वाले एलिमेंट के लिए, ठीक है। अल्फा बीटा लास्ट वाले एलिमेंट के लिए दिखाएंगे, यहां पर लिख लो नाउ। तो ए एम के लिए जब दिखाओगे, चलो यहां पर ऐसा करो इसको काटो, यहां पर ऐसे लिखो नाउ इफ x इजकल टू, लास्ट वाला एलिमेंट ही लेना है ना, तो पहले x इजकल टू ए एम लिख लो। यहां पर जैसे x इजकल टू ए आई लिखा था, i इज नॉट इक्वल टू m, अब यहां पर x इजकल टू ए एम के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं। देन अब यहां पर लिख लो अल्फा बीटा ए एम, तो इसको भी थोड़ा फंक्शन के रूल से, तो अल्फा बीटा ए एम, है ना। तो अल्फा बीटा ए एम को हम लोग क्या लिख देंगे, बीटा ए एम को हम लोग क्या लिख देंगे, बीटा ए एम को देखो बीटा ए आई ही दे देता है, तो बीटा ए एम क्या दे देगा, ए एम ही दे देगा। अल्फा ए एम क्या दे देगा, अल्फा ए एम क्या दे देगा, देखो अल्फा ए आई तो ए आई प्लस वन पर उतारेगा इसको, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ए एम प्लस वन, ठीक है, ए एम प्लस वन। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अल्फा, अच्छा 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 गलत कर दिया। देखो अल्फा ए एम दे रहा है ए वन, है ना, अल्फा ए एम की वैल्यू हमको पता है ए वन, तो इसकी जगह पर ए वन लिखना है आपको, ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा में ए एम की इमेज क्या आ गई, पहली वाली टर्म ए वन आ गई यहां से। इसी तरीके से बीटा अल्फा निकाल लो, बीटा अल्फा ए एम निकाल लो, तो इसको भी फंक्शन के तरीके से तोड़ोगे तो हो जाएगा बीटा और अल्फा और ए एम हो जाएगा यहां पर। समझ में आ रही है बात, बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अल्फा ए एम देखो, अल्फा ए एम दे रहा है हमको ए वन, ठीक है, अल्फा ए एम हमको दे दिया ए वन, और बीटा के लिए तो ए आई सारे क्या है फिक्स है, यानी कि वही एलिमेंट दे देगा, तो ये भी आ जाएगा ए वन, ठीक है। तो देखो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों इक्वल आ गए कि नहीं ए एम के लिए भी, यानी कि ए वन से लेकर के ए एम तक के लिए हमने दिखा दिया कि क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा, यानी कि कम्यूट कर रही है साइकिल, ठीक है। तो आई होप यहां तक की चीज समझ में आई होगी। अब यही काम हम लोग किसके लिए करेंगे, बीटा के लिए दिखाएंगे, है ना, यानी कि बी वन बी टू अप टू बी एम के लिए दिखा देते हैं। तो चलो देखते हैं, इजी है, बहुत इजी है चीजें सारी, लेकिन बस थोड़ा सा समझना है इनको, समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी लाइफ आगे के लिए, ठीक है। देखो क्योंकि फिर यदि ये चीजें समझ में आ गई ना एक बार, तो फिर ये समझ लो कि आप आईआईटी जेएम नेट जेआरएफ सब चीजें आपको समझ में आएंगी, एमएससी की चीजें समझ में आएंगी। जब यही बेस बीएससी वाला ही आपका कमजोर रह जाता है, लोग नहीं पढ़ते हैं, चाहे फीस की वजह से हो या जिस भी वजह से, तो फिर आगे भी इसी तरीके से फिर नहीं बढ़ पाते लोग, ठीक है। तो देखो बी आई के लिए हम लोग देखते हैं एक्स इजकल टू बी आई, लेकिन यहां पर भी हम लोग लेंगे कि आई इज नॉट इक्वल टू एन, ठीक है। तो देखो दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा बी आई हमको दिखाना है इस बार, तो यहां पर भी इसको फंक्शन के रूप में देख लो अल्फा बीटा ऑफ बी आई,
ठीक है। और अल्फा बीटा बीआई क्या होता है, देखो यहां पर अब जो ना यहां से इसको रख लो आप सीधे तो आपको यहां दिखता जाएगा। देखो बीटा बीआई क्या है, बीआई प्लस वन है ना, यहां पर रख लो बीआई प्लस वन। अब अल्फा के लिए तो बी वाले सारे एलिमेंट क्या है, फिक्स है, यानी कि ये हो जाएगा बी आई प्लस वन ही, बी आई प्लस वन हो जाएगा। अब इसको देखो बीटा अल्फा को, बीटा अल्फा और बी आई, तो देखो इसको भी ऐसे ओपन करोगे बीटा अल्फा ऑफ बी आई, ठीक है, तो बीटा हो गया। अल्फा के लिए बीटा आई तो फिक्स है ना, अल्फा के लिए तो बीटा आई फिक्स है, तो ये दे देगा बीटा आई है। फिर बीटा के लिए बी आई क्या देगा, बीटा बी आई देगा बी आई प्लस वन, ये आ जाएगा बी आई प्लस वन, ठीक है। देखो दोनों इक्वल आ गए कि नहीं, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा अल्फा बी आई दोनों इक्वल आ गए, ये आई है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अभी हमने देखा बी आई के लिए, अब हम देख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू बी एन लास्ट टर्म के लिए। तो देखो इफ एक्स इज इक्वल टू बी एन कर लेते हैं, तो जब बी एन कर लोगे तो अल्फा बीटा, अरे अल्फा बीटा और बी एन, तो इसको देखो अल्फा ऑफ बीटा ऑफ बी एन ये क्या देता है, ये हमको देगा अल्फा बीटा बी एन, बी एन प्लस वन पर उतारेगा, तो ये हो जाएगा बी एन प्लस वन, ठीक है। अल्फा के लिए तो फिक्स है बी वाले एलिमेंट, तो ये हो जाएगा बी एन प्लस वन। अब इधर देख लो बीटा अल्फा करके देख लो क्या रिजल्ट देता है, बी एन, तो बीटा अल्फा जब करोगे तो बीटा ऑफ अल्फा ऑफ बी एन हो जाएगा। अल्फा के लिए तो बी वाले सारे क्या हैं, फिक्स हैं, तो ये बी एन ही दे देगा, और बीटा बी एन ये क्या दे देगा, बी एन प्लस वन, ठीक है। बस देख लो दोनों इक्वल आ गए, जब दोनों इक्वल आ गए तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा बी एन ये दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सभी के लिए हमने दिखाया सारे एलिमेंट के लिए कि कम्यूट कर रहे हैं सारे जो भी हमारे एलिमेंट थे वो सारे क्या कर रहे हैं, यानी कि जो भी साइकिल थी हमारी दोनों वो आपस में क्या कर रही हैं, कम्यूट कर रही हैं, ये हमने दिखाया। अब देखो अभी ए आई और बी आई के लिए दिखा दिया, सी आई हमारे क्या थे, फिक्स थे, है ना, सी आई हमने फिक्स लिया था, यानी कि सी वन की इमेज सी वन, सी टू की इमेज सी टू, सी थ्री की इमेज सी थ्री, ऐसा लिया था। तो इस पर भी दिखा देते हैं, देखो इफ एक्स इजकल टू, अरे एक्स इजकल टू सी आई ले लेते हैं, तो जब एक्स इजकल टू सी आई ले लेंगे तो अल्फा बीटा सी आई, अल्फा बीटा सी आई इसको निकाल के देखो क्या देगा, अल्फा आएगा अल्फा ऑफ बीटा ऑफ सी आई आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब बीटा सी आई हमको क्या दे रहा है, देखो यहां से बीटा के लिए, अच्छा बीटा के लिए तो सी आई फिक्स है ना, अल्फा के लिए फिक्स है सी आई और बीटा के लिए भी फिक्स है, तो ये दे देगा आपका सी आई, ठीक है। और अरे ये नहीं है भाई, ऐसा है, ठीक है, सी आई दे देगा, अल्फा के लिए भी सी आई फिक्स है तो सी आई दे देगा, यानी कि अल्फा बीटा सी आई क्या आ गया, सी आई ही आ गया, क्योंकि फिक्स था ये, तो बीटा अल्फा बीटा में भी फिक्स है। बीटा अल्फा सी आई करके देख लो यहां पर क्या देता है, तो देखो बीटा ऑफ अल्फा ऑफ सी आई है ना, सी आई तो अल्फा के लिए फिक्स है तो ये सी आई ही दे देगा, सी आई बीटा के लिए भी फिक्स है तो ये भी सी आई ही दे देगा, है ना, यानी कि अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों क्या आ गए, दोनों ही इक्वल आ गए, है ना, सी आई की इमेज सी आई, जो सी आई है सी वन डालोगे तो सी वन, सी टू डालोगे तो सी टू, यानी कि ये फिक्स है। तो यहां से भी हमने दिखाया कि इनके लिए भी अल्फा बीटा और बीटा अल्फा क्या है, इक्वल आ रहा है, यानी कि यहां पर भी कम्यूट कर रहे हैं। तो बस यही चीज हमको दिखाना था। तो इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया, इसका मतलब हमने ये दिखा दिया, दिस इंप्लाइज कि अल्फा बीटा में जो भी एलिमेंट डोमेन के आप डाल रहे हो वो किसके इक्वल आ रहा है, बीटा अल्फा, अरे बीटा अल्फा में वही एलिमेंट डाल दो, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये हमने यहां से दिखा दिया। और इसका मतलब क्या है कि जब किसी फंक्शन में डोमेन के एलिमेंट पर सेम इमेज आ जाती है तो फंक्शन क्या होता है, इक्वल हो जाता है, यानी कि यहां पर फंक्शन क्या है हमारा, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा
अल्फा, हेंस यहां पे लिख लो हेंस डिसजॉइंट साइकिल, हम डिसजॉइंट साइकिल लेकर के चले थे, डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट, ठीक है, यानी कि डिसजॉइंट साइकिल क्या करती हैं, आपस में कम्यूट करती हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया आज की क्लास में, ठीक है। तो आई होप ये रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से, ठीक है, इसको आप लोग दोहराइएगा, और ये मत समझिएगा कि आज की क्लास में सिर्फ एक ही थ्योरम हो पाई, ये समझिए कि इस तरीके की थ्योरम को मैंने आपको समझा दिया बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ठीक है, ये आप शुक्र बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे सेमेस्टर में जाओगे चीजें टफ होती चली जाएंगी, इनको सीखना पड़ेगा, इनको टाइम देना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट इनको टाइम नहीं देंगे तो बस ये समझ लो कि वो पीछे हो जाएंगे हर क्षेत्र में, ठीक है, इस वजह से इन चीजों को सीखने पर टाइम दो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, थैंक यू।